नमस्कार, मैं शेफाली कुक्कड़ फाइटर समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त जो समाचार आ रहा है वह है श्री गंगानगर से, जहाँ जिले के प्रभारी व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासर ने आज जिला कलेक्ट्रेट में जिले के जनप्रतिनिधियों की बैठक कर समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री डोटासर ने कहा कि वे जिले में तीसरी बार आए हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं और उनका निदान करवा रहे हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि अभी तक ऐसी एक समस्या नहीं है जिसका समाधान आपने किया हो, इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई बटन नहीं है जिसके दबाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, जो समस्याएं आपके सामने आई है उनका समाधान कब देखने को मिलेगा शहरवासियों को? देखिए, जो जो समस्याओं का समाधान हमें तत्काल जो निर्देश देने थे वो दिए हैं, और जो जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं सब पे हमने चर्चा की, एक भी समस्या को हमने इग्नोर नहीं किया। तो आज समझ सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी गंभीर है। और मैं प्रभारी मंत्री के नाते डेढ़ महीने में मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और नाइट में भी आज यहीं रह रहा हूं मैं, इसलिए कि लोगों की जो भी बातें आएं, जो भी चाहे मजदूर हों, किसान हों, व्यापारी हों, जिनकी भी समस्याएं हैं उनके हम बात सुने और अधिकारियों से चर्चा करके, और जहां यहां के स्तर पे हो तो जिला कलेक्टर के स्तर पे उसका निस्तारण हो, और अगर राज्य सरकार से संबंधित हो तो हम लोग राज्य सरकार से हमारे माननीय MLA साहिबान के साथ मिलकर के वहां उसके समाधान करें। सर, आप तीसरी बार गंगानगर आए हैं, क्या एक भी ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान हुआ हो? एक भी ऐसी समस्या बता दीजिए जिस शहर में चर्चा की हो, चर्चा की हो और उसके फिर चर्चा नहीं करके उसके समाधान नहीं, कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान हो, शहरवासी को लाभ मिला हो? शहरवासी को तो लाभ भी मिल रहा है, जो डिपार्टमेंट वाइज जो समस्या आती है उसके समाधान की बात करते हैं। और निश्चित रूप से आप बता दीजिए, आज समस्या बता दीजिए, शहर में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके समाधान की बात करेंगे। शहर में आवारा पशुओं की बेहताशा तादाद है, यातायात व्यवस्था किसी काम की नहीं है, गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है गंगानगर। एक आप राउंड लगाओ शहर में तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि शहर की व्यवस्था क्या है। यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक राजकुमार जी गोड यही आपके साथ विराजमान है और कुन्नर जी भी विराजमान है जो मंत्री रहे हुए हैं। तो ये एक गंगानगर नहीं गंदानगर माना जाता है। पहले भी मंत्री आए हैं, प्रभारी मंत्री भी आए हैं, यहाँ हमारे सुंदरपाल जी TT मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ सुधार नहीं हुआ। अब जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि कुशासन से छुटकारा मिला है, सुशासन आया है, तो ये सुशासन कब देखने को मिलेगा गंगानगरवासियों को? आप ये तो मानते हो ना कि भाई जो BJP का राज था वो कुशासन था? नहीं, हम नहीं मानते, कांग्रेस का कहना था ये। नहीं नहीं, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, हम तो मारे तो भुगत रहे हैं। अगर हाँ, तो अगर कुशासन मानते हो तो इसमें सुधार निश्चित रूप से आपको देखने का मिलेगा। कब तक देखने को मिलेगा? कोई देखने को मिल रहा है ना, आज ही आप देखिए RUIDP जो काम कर रहा है उसके बारे में चर्चा हुई है, और दूसरे जो आप बातें बता रहे हो उसके ऊपर चर्चा हुई है, जो श्रमिकों को पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूरों को बेचारों को शादी को, उसके ऊपर चर्चा हुई है, बिजली के ऊपर चर्चा हुई है, जो सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट आप बता रहे हो उसके ऊपर हमने चर्चा की है। चर्चाएं तो सर पूर्व में भी होती रही है, मंत्री आते हैं, चर्चाएं होती रही है, समाधान नहीं हो पाया। ऐसा बटन बता दो कि इस बटन को दबाने से ये ठीक हो जाएगा तो वो हम करवा देंगे। सर, पिछले सर सरकार का एक ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को कर्जा मिले और उसके बाद जो ही चुनाव आ कर्जा माफ किया जाए, इस प्रक्रिया का कोई आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं क्या कहीं? क्या तो पहले तो अत्यधिक कर्जा दिया जाए उसके बाद कर्ज माफ किया नहीं, जाए? देखिए, जबरदस्ती कोई कर्जा नहीं देता है, न कोई कर्जा जबरदस्ती लेता है। कर्जे की जिसको किसान को आवश्यकता होती है वही कर्जा लेता है, और जो लागत का उसको मूल्य नहीं मिलता है तो वो पैसा वापिस चुका नहीं पाता, क्योंकि उसके पास में जो आमदनी नहीं होती है तो उसको चुका नहीं पाता। इसलिए ये बातें आती हैं कि साहब कर्जा है और वो चुका नहीं पा रहा है, उसको जो फसल हुई नहीं, उसको कुछ मिला नहीं बेचारे को, तो वो टूट जाएगा, आत्महत्या नहीं कर ले, वो अपना परिवार पालन पोषण करें, इसके लिए जो है वो ये व्यवस्था है। इसमें ये व्यवस्था तो है, इसके लिए कोई आर्थिक रूप से उसके एक एजेंडा तैयार करना चाहिए, न कि उसको बार बार माफ करते रहेंगे और जो कर्ज लेते रहेंगे। देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिसी मैटर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन चुनाव लड़ा था तब के उसके भाषण
भाषण उठा करके देखो आप मीडिया की, मोदी की बात नहीं करेंगे, मोदी की देश का प्रधानमंत्री मोदी है तो मोदी से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बिल क्लिंटन से करेंगे? नहीं, उनके पच्चीनों भी चलोगे आप? पच्चीनों भी नहीं चलेंगे, उन्होंने जो गड़बड़ियां की उसको ठीक करने का काम करेंगे, उनको ठीक करने का काम किएंगे। उन्होंने तो केवल वादा किया था किसान के कर्ज माफी का, हमने करके दिखाया है। और हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 100% किसान का कर्जा हम माफ करेंगे। हम पच्चीनों पे चलने वाले लोग नहीं है। वो आलोचना कर करके 5 साल उन्होंने अपना समय जो है ना व्यतीत कर दिया। हम वो लोग नहीं है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।